यूट्यूब ब्लॉगर रोजीना आबिद हाजिर है। पिछले हफ्ते मैंने जश्न ईद मिलाद उन नबी के सिलसिले में अपने पहले व्लॉग से आगाज किया था और मैंने कहा था इंशाल्लाह अगला व्लॉग मैं अपने घर से करूंगी। आज मैं अपने घर से व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को भी लाइक करेंगे। दो साल पहले जब मैंने एंड्रॉइड मोबाइल का इस्तेमाल किया तो मैंने व्लॉग देखने शुरू किए। यूट्यूब सबसे पहले मैंने यूट्यूब का इस्तेमाल किया तो मुझे पता चला कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन दो साल से मैं सोचती रही कि मैं वीडियो का अपना आगाज़ करूँ कि नहीं करूँ, फिर कभी कुछ सोच के खामोश हो जाती थी कभी कुछ सोच के। उसके बाद मेरी भांजियों ने मेरी हिम्मत बंधाई, उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी जब आप शादी से पहले अफसाने लिखती थी डाइजेस्टों में और जो है इनामात हासिल करती थी, कोई इस मुकाबले में हिस्सा लेती थी, तो अब क्या वजह है कि आप इतने जो है खामोश हो गई हैं। तो मैंने उन बच्चियों के उकसाने पे कहने पे मैंने सोचा कि मैं आगाज़ करूँ वीडियो का। ये मेरी चाय आ चुकी है, शाम के 5 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि चाय के मज़े के साथ साथ अपने दोस्तों से भी बात कर सकूं। ये यूट्यूब एक चैनल ही नहीं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हम सबको इकट्ठा किया हुआ है। मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जहाँ इनकम का ज़रिया है वहाँ साथ साथ ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ सब के दुख सुख साझे हो जाते हैं। मैंने देखा कि कई चैनल के जो ब्लॉगर हैं एक दूसरे के आते हैं जबकि ना जान होती है ना पहचान होती है, लेकिन यूट्यूब चैनल की वजह से सब एक दूसरे के बहन भाई साथी बन चुके हैं। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब के ज़रिए मैं अपने दोस्तों और साथियों को इकट्ठा कर सकूँ। मैं बीमार रहने लगी थी और मुझे अपनी बीमारी का कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। अक्सर मुझे मेरी फैमिली में जो भी आता वो मुझसे ये कहता था कि आप अपना माइंड डाइवर्ट करें, कहीं ऐसा आप अपने वो करें कि ताकि आप अपनी बीमारियों को भूल जाएं। मैं चाय के मज़े के साथ साथ आप लोगों से अपने बातें भी शेयर कर लूँ। मैंने ये समझी कि मैंने अपनी शादी से पहले ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों में गुजारी, घर के काम काज, उसके बाद रसाइल वगैरह में अफसाने लिखना, शायरी करना, छोटे छोटे काम करना, घर बैठे मुझे इन चीज़ों में बहुत मज़ा आता था और काफ़ी मुझे लोगों ने लाइक भी किया। उसके बाद शादी हुई और जो है बच्चों की जिम्मेदारियों में ऐसा भूली मैं सब कुछ कि मुझे याद ही नहीं रहा कि कोई मिसेज रोजीना इकबाल कश्मीरी के नाम से कोई मुसनफा हुआ करती थी। लेकिन आज फिर सबके कहने पे मैंने फिर ये अपना जो है आवाज़ के ज़रिए अपने आप को सामने लाई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे जिस तरह मुझे अल्लाह ताला ने उस वक्त मुझे मशहूरी दी, अभी भी आप लोग सब मुझे ज़रूर लाइक करेंगे कि आज मैं अपने YouTube फैमिली के साथ अपनी वो चीज़ें शेयर करूं कि मैं शादी से पहले क्या करती थी, क्या लिखती थी। अगर आप लोग सब लाइक करेंगे तो मैं इंशाल्लाह और भी अपनी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। बस आप लोगों की राय का इंतज़ार है, जितने ज़्यादा आप लोगों के लाइक आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, मैं समझ जाऊँगी कि मेरी चीज़ों को अप्रिशिएट किया गया है और मैं आइंदा भी आप लोगों के साथ फिर अपनी चीज़ें शेयर करूँगी। रजिस्टर दिखाऊं जो कि 32 साल पुराना है, 32 से 35 साल पुराना है, क्योंकि 32 साल तो मेरी शादी को हो चुके हैं, 32 ईयर्स। तो ये देखें आपको यहाँ जगह जगह थोड़े थोड़े से स्पॉट्स तो नज़र आएंगे, लेकिन ये मेरी ऐसी यादगार है कि जिसको देख के मैं आज भी खुश होती हूँ। रोजनामा आगाज़ में लिखती थी मैं वहाँ के एडिटर परवेज़ मज़हर साहब, आलिश शकील साहब, इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, इन्होंने मेरी रहनुमाई की। अल्लाह ताला उन लोगों को ज़िंदगी सेहत दे। अगर आज वो लोग इस दुनिया में हैं तो मैं उनको सलाम करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि मुझे अपनी आगाज़ फैमिली अब भी याद है। ये देखिए, ये मैंने शायरी की थी जब मैं छोटी थी, लिखने का इतना सलीका नहीं था, तो मैंने अपने जो है पाकिस्तान के बारे में कुछ लिखा जो कि मुझे प्राइज़ दे रहे हैं रोजनामा आगाज़ के तवस्सुत से। और उसके बाद ये देखें मेरी ये काफ़ी क्विज़ प्रोग्राम में मैंने हिस्सा लिया,
कौमी बहस में मैंने हिस्सा लिया, ये औरत के किरदार पे मैंने मज़मून लिखा। उसके अलावा मैं जब मेरी मंगनी हुई है तो मंगनी से पहले आप यकीन करेंगे मैं काफ़ी हेल्दी थी, उसके बाद मैंने डाइटिंग की और जब मेरी मंगनी हुई तो उसके बाद मैंने अपने मंगनी के नाम से लिखा एक बड़ा सा फीचर, अखबार ख्वातिन उस वक्त आता था हफ्त रोज़ा, तो उसमें मैंने लिखा आखिरकार हमारी मंगनी हो गई, जिसको बहुत से लोगों ने लाइक किया। परवेज मज़र साहब और खालिद शकील साहब मुझे सलीका सिलाई मशीन इनाम में दे रहे हैं। उसके अलावा BBC की जानिब से भी मुझे कार्ड्स वगैरह विश कार्ड दिए गए। उसके अलावा उन्होंने मुझे सारा फर्गोसन एंड्रयू की शादी का भी कार्ड भेजा। मैं आप से अपने तमाम जो है तहरीरें जो है कर रही थी शेयर, लेकिन अभी मेरी नवासी आ चुकी है, आज सैटरडे है और ये संडे हमारे साथ गुजारती हैं, क्योंकि ये अपने नाना से और हम लोगों से काफ़ी हिली हुई हैं। तो इंशाल्लाह अब मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर व्लॉग बनाएंगे और आपसे अपनी बहुत सी बातें शेयर करूँगी।